इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे आईफोन के अंदर अगर हम किसी को कॉल मिलाते हैं वॉइस कॉल, तो उसे कॉल नहीं जा पाती है, यानी कि वॉइस नहीं जा पाती है, तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वॉइस आने का जो स्पीकर होता है वो आपके फ्रंट पर यहाँ पर होता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लेकिन जो हमारे जाने का होता है, जैसे कि किसी बंदे को वॉइस नहीं आ रही है, तो उस सिचुएशन में वो इस इन यहाँ पर यहाँ के थ्रू, जब आप कान पर लगाते हैं ना, तो यहाँ के थ्रू जाती है, यहाँ पर इस आपका जो है माइक होता है या माइक्रोफोन जो भी हो, वो इन जगह पर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब चाहे दो हो तीन हो वो एक अलग बात है, जैसे कि आईफोन कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंटली बात है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो है इजीली दिख जाएगा। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इजीली दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको जो है आपको क्लीन करना है सही से। अगर आप साफ़ सुथरा इसको रखेंगे उतनी आवाज़ आपकी बेहतर जाएगी। आप इसको हफ्ते दो हफ्ते या 5-10 दिन में क्लीन करते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि क्लीन रखते रहना है। उसके बाद आता है वॉइस ना आने जाने में नेटवर्क का इशू। तो नेटवर्क पे आप ये कर सकते हैं कि सेटिंग्स में जाइए एंड एक दफ़े अपने आईफोन में एरोप्लेन मोड लगा लीजिए और बंद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बंद चालू हो जाएगा आपका फ़ोन, आपका नेटवर्क, और अगर अच्छे नेटवर्क आने होंगे तो आ जाएंगे। और आप ऐसा कर सकते हैं कि 2G पर लगा सकते हैं, जब आप कॉलिंग पर जाएं तो फिर अच्छी वॉइस आ सकती है। अब यही कंडीशन सामने वाले पर भी अप्लाई होती है, अगर वो इन चीज़ों को फुलफ़िल करता है तो बेहतर है। और बाकी आप जो है रिगार्डिंग जो इस रिगार्डिंग के अपडेट भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं वॉइस कॉल से रिलेटेड, क्योंकि वॉइस अपडेट में जब बहुत दिन तक आप अपडेट नहीं करते हैं अपने आईफोन को, और अपडेट आपको मिल चुका है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपडेट मिल चुका है, मैंने अपडेट कर लिया है, तो अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो भी ये इशू निकल जाता है, ठीक है। तो बस ये सेटिंग्स करिएगा, फिर आप जो बंदा होगा उसको वॉइस कॉल ठीक ठाक चली जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।